अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला था। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके का एक रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे ट्रेंड पे चल रहा है। इसमें बेसिकली होता क्या है, डिज्नी पिक्सार कैरेक्टर तो आप सब लोगों को पता ही होगा, जैसे टॉय स्टोरी वगैरह, तो इस तरीके का एक फेस फिल्टर, जैसे डिज्नी कैरेक्टर का 3D फेस फिल्टर आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके का वीडियो कैसे बनाते हैं, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी जिसका नाम है स्नैपचैट। तो आप में से बहुत जन लोगों के पास ये ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगा, जिनके पास नहीं होगा इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना है और यहाँ पर कुछ लॉगिन वगैरह उसका जो भी रहेगा आपका मोबाइल नंबर ऐड करके आपको करना है। इसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होते ही नीचे आपको एक राइट हैंड साइड पर छोटा स्माइली का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में सबसे नीचे आपको एक एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्च का सर्च बार आ जाएगा। तो सर्च बार में आप सर्च बार के ऊपर आपको टैप करना है ऊपर, और वहाँ पे आपको टाइप करना है कार्टून 3D स्टाइल। आप स्पेलिंग देख लो, CARTOON 3D और स्टाइल STYLE। तो इस तरीके से आपको टाइप करके यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, जो फर्स्ट फिल्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये वाला फिल्टर आपको यूज़ करना है। ये शायद आपके यहाँ पे सेकेंड या थर्ड नंबर पर भी आ जाए, तो ये जो मैं फिल्टर आपको बता रहा हूँ इसे आपको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपका फ्रंट कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा जो फेस है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है एक डिज्नी के कैरेक्टर में, मतलब 3D कैरेक्टर आप बोल सकते हो, जैसे पिक्सार डिज्नी पिक्सार मतलब टॉय स्टोरी के वगैरह जैसे कैरेक्टर रहते हैं उस तरीके से। और इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे आपका अलग दूसरा एक कैरेक्टर मतलब फेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चेंज फेस आप चेंज कर सकते हो टैप करके सिर्फ। और इसके बाद रिकॉर्ड करने के लिए नीचे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जहाँ पे एक स्माइली जैसा आइकॉन दिख रहा होगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करके रखना है। आप जैसे ही टैप करके रखोगे तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। एक बार टैप करोगे तो यहाँ पे ये आपका फोटो खींच लेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से ये आपको वीडियो आपको रिकॉर्ड करने के टैप करके रखना है जितना भी ड्यूरेशन आपको चाहिए, और आपको स्पेसिफिक ड्यूरेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे इसे रिलीज कर देना है। रिलीज करने के बाद यहाँ पे आपका ये वीडियो रेडी हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आप देख सकते हो तीन ऑप्शन दिखेंगे, एक साउंड, सेव और स्टोरी का। तो उसमें का जो बीच का ऑप्शन है सेव, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करके सेव टू मेमोरीज एंड कैमरा रोल वाला जो सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है, जिससे ये आपके मोबाइल के गैलरी में ये वीडियो आपके सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आपको मोबाइल के गैलरी में जाके उसे शेयर करना है या इंस्टाग्राम ओपन करके उसे एज अ रील आप शेयर कर सकते हो। वो कैसे करना है शेयर, ये तो सबको आपको पता ही होगा। उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंडिंग रील है ये आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।